हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो ट्रेडर, आज भी मैं करने वाला हूं लाइव ट्रेडिंग। ऊपर आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में 55,000 रुपीज़ अभी अवेलेबल है, जिसमें दोस्तों मेरा रियल बैलेंस 40,000 रुपीज़ है। 40,000 रुपये जो है मेरा बैलेंस है। और आज भी मैं जो है मेरे एक फॉलोअर के लिए ट्रेड करने वाला हूँ, जिन्होंने मुझे 40,000 रुपीज़ जो है इन्वेस्टमेंट दिया है, और मैं उनको 40,000 इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट निकाल के देने वाला हूँ। ठीक है, देखो मैं चाहूँ तो 40 का मैं डबल भी कर सकता हूँ, 40 का मैं 80,000 रुपीज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो है मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। तो अभी जो है मेरा 10,000 रुपीज़ का टारगेट रहने वाला है। सो 6,000 रुपीज़ की मैं फर्स्ट ट्रेड करने वाला हूँ, एंड बड़ी ट्रेड करने वाला हूँ मैं। यहाँ पर ट्रेडर्स मैंने 6,000 रुपीज़ डाउन के लिए लगा दिए हैं, आप देख सकते हो, और पूरे 3-3.5 मिनट की जो ट्रेड होने वाली है। अब हमें ये देखना है कि क्या रिज़ल्ट आता है फर्स्ट ट्रेड का। अगर मैं 2 ट्रेड्स लगातार जीतता हूँ 6-6 हज़ार का, तो मेरा 10,000 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं ये ट्रेड हारता हूँ तो मैं नेक्स्ट ट्रेड 8,000 की करूँगा, बहुत बड़ी नहीं करूँगा, 8,000 की ही करूँगा। और अगर वो भी ट्रेड अगर मैं हारता हूँ तो तीसरी ट्रेड मैं बड़ी करूँगा। तो फ़िलहाल तो अभी डिपेंड करता है इस ट्रेड पर कि मैं नेक्स्ट ट्रेड कितने की करने वाला हूँ। तो चलिए हम रिज़ल्ट का ही वेट करते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल ग्राफ नीचे है, लेकिन कभी भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ ऐसा ऊपर जाने की कगार पर हमें दिख रहे हैं। तो वेट करने के अलावा हम और कुछ नहीं बोल सकते हैं। फर्स्ट ट्रेड जीतना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज़ मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जब भी हम फर्स्ट ट्रेड हारते हैं तो हमें हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट ट्रेड जीतते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, ये कोई एक ट्रिक या ऐसी कोई स्किल नहीं है, ये जस्ट एक माइंड सेट का कमाल होता है। क्योंकि अगर हम पहली ही डील हार जाते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा सा जो है ना एक कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जब हम कंटिन्यूसली 1 या 2 डील जीत जाए ना, तो हमारा सोचने की क्षमता भी और एकदम माइंड एकदम पावरफुल हो जाता है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके साथ क्या होता है मुझे पता नहीं, बट मेरा तो यही एक्सपीरियंस बोलता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर एक अच्छी हाइट हमें मिली तो थी, बट धीरे धीरे वो हाइट जाती हुई मुझे दिख रही है। लगभग अभी 1 मिनट का समय बाकी है, फिर से हाइट मिली है, फिर से हाइट जा रही है। ऐसा बोल तो सकते हैं कि स्लाइटली फ्लक्चुएशंस है ग्राफ्स में, बट चलो कोई बात नहीं। बस मेरा तो टारगेट यही है दोस्तों कि मुझे जितने भी ट्रेडर्स मैसेज करते हैं सभी को मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। मैं हमेशा से ही यही ट्राई करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर 6,000 रुपीज़ की ट्रेड लगाई थी, 7 सेकंड्स बचे हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड सक्सेसफुल। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर 6,000 रुपीज़ लगाए थे, मिले हैं 11,220 रुपीज़, यानी कि 5,000 रुपये का मेरा जो है अच्छा प्रॉफिट हो गया है। सो अच्छी बात है। तो अभी और एक ट्रेड मुझे जीतनी है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे ग्राफ्स के ऊपर, उसके बाद हम ट्रेड करने वाले हैं। सो वेट करते हैं। यहाँ पर मुश्किल नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ग्राफ्स अभी ठीक है, कभी भी ख़राब हो सकते हैं, बट ओके। तो ट्रेडर्स, मैंने 6,000 रुपीज़ फिर से डाउन के लिए लगाए हैं, और जैसे ही मैंने डाउन के लिए पैसे लगाए, एक अच्छी हाइट में ग्राफ ऊपर गया है। तो पता नहीं क्या रिज़ल्ट आने वाला है, बट अभी भी टाइम है, तो वेट करते हैं। डील कैंसिल बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अगर मैं तुरंत डील कैंसिल भी करता हूँ तो मुझे 6,000 के आधे ही मिलते हैं, 3,000 या फिर उससे भी कम, तो डील कैंसिल नहीं करेंगे। तो ट्रेडर्स, मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट ऑफ़र के बारे में बताना चाहूँगा कि जो मैं अपने ट्रेडर्स को देता हूँ।
बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग में पैसे लॉस किए हैं और अब जो है उन्हें डर लगता है ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट तो होता है, जो टारगेट रखते हैं वो भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन ऐसा एक पॉइंट आता है जहाँ पर हम लोग लॉस कर देते हैं तो अब हमारे में हिम्मत नहीं है ट्रेडिंग करने की। तो मैं उनके लिए ट्रेड करता हूँ, मैं उनके लिए प्रॉफिट करा के देता हूँ, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, आप जितना भी इन्वेस्टमेंट दोगे उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं कितना आपको प्रॉफिट दिला के निकाल सकता हूँ। अभी जैसे आज मुझे एक ट्रेडर ने 40,000 रुपीज़ दिया है, तो मैं उनको 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट निकाल के दे सकता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर प्रॉफिट निकालने की ट्राई करूँगा तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ से किसी भी ट्रेडर का लॉस हो बिल्कुल भी। तो इसी के वजह से, एंड अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो भी मेरे पास कोई ना कोई सोल्यूशन है, मेरा ग्रुप है, 2,000 रुपीज़ पर मंथ फ़ीस है, लेकिन आप मेरे ग्रुप से भी 2 से 3,000 रुपये आराम से कमा सकते हो दिन के। और अगर आपके पास बड़े इन्वेस्टमेंट है तो आप मुझसे कोर्स लेके लाखों रुपये महीना वहाँ से भी कमा सकते हो। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑफर्स है अगर आप कमाना चाहते हो तो। फ़िलहाल यहाँ पर दिक्कत की बात है, डाउन के लिए लगाए थे ग्राफ्स ऊपर है और वो भी एक अच्छी हाइट पर, जो कि इतने कम समय में कवर करना मुश्किल है। बट जैसे मैंने बोला कि भले मैं ट्रेड हारूंगा लेकिन कैंसिल नहीं करूंगा, तो वेट ही करते हैं। अभी 30 सेकंड्स है, 30 सेकंड्स में इतना ग्राफ नीचे आना पॉसिबल नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। दो ट्रेड में से एक जीता हूँ, एक हार जाऊंगा, कुछ ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा। ओके, चलो ऑलमोस्ट हारने वाले हैं, तब तक हम लोग नेक्स्ट ट्रेड के लिए अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि 80,000 का रहेगा, सॉरी 8,000 का रहेगा, 80 नहीं। ओके, ये क्या हो गया ट्रेडर्स, ये सच है क्या? मैं एक स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ, मुझे भरोसा नहीं है। हाँ ट्रेडर्स, हम जीत गए हैं, देख सकते हो आप, 6,000 रुपीज़ मैंने लगाए थे और मुझे मिले हैं 11,220 रुपीज़, यानी कि 10,000 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ है। 10,000 रुपीज़ का मेरे फॉलोवर को मैंने प्रॉफिट कमा के दे दिया है। होप सो अगर वो ट्रेडर ये वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत ही खुश होंगे। मतलब मैंने आज सीरियसली छोड़ दी थी, बिकॉज जिस तरीके से ग्राफ ऊपर थे लेकिन एट द एंड ग्राफ नीचे आया और मैं जीत गया हूँ। बहुत बार ऐसा होता रहेगा ट्रेडर्स, आपने भी देखा रहेगा कि एट द एंड हम लोग हारते हैं, एट द एंड पूरे टाइम ग्राफ हमारे साइड होते हैं और एट द एंड हम लोग हार जाते हैं। पहले तो ये कम कर लेता हूँ, तो मतलब एट द एंड हारते हैं, तो मेरे इसमें ऐसा होता है कि मैं एट द एंड जीता हूँ, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार होता है। फिलहाल दोस्तों मैंने EURUSD एसेट के ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी को जो है ढूंढा है, जिस स्ट्रैटेजी के हेल्प से ही मैं ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। तो फाइनली आज मैंने फिर से एक और ट्रेडर के लिए प्रॉफिट निकाल के दिया है, उन्होंने मुझे 40,000 दिए थे, अब मैं उन्हें रिटर्न में 50,000 दूंगा, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सो ट्रेडर्स, आप लोग भी अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। देखो, इन्वेस्टमेंट बड़ा रहे इन्वेस्टमेंट छोटा रहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। आप बिना इन्वेस्टमेंट के मेरे पास आओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सीरियसली। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मेरे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, आप हेल्प करो, तो मैं क्या ही हेल्प कर सकता हूँ, सबको मैं पैसे नहीं बांट सकता हूँ। मैं सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट लेके उसके ऊपर ट्रेड कर सकता हूँ, या तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर सकता हूँ, या तो फिर मैं आपको कोर्स दे सकता हूँ। यानी कि मैं मेरे इससे बहुत ट्राई करता हूँ कि आपको प्रॉफिट कमा के दूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना आपके ऊपर है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक भी ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।